जो ऑनलाइन उसपे ना उसने एक फॉर्म ऐड किया है रनिंग में एडमिशन डेट का, तो वो डेट उस पर अपडेट है। समझ में आ रही क्या कि भाई वो उस पर मैंने तो आसानी के लिए किया है कि जो लास्ट 15 दिन की जो एडमिशन है वो कम अज कम उसमें अपडेट हो, तो शायद शेयरिंग का जो मसला बन रहा है उसको तो तुम ऐसे कर सकते हो कि उसमें जो एडमिशन डेट होती है ना डेटा उसमें हमारे सही है, तो बस वो वहां से बस उसको डेट का तुम उठा लो और सबके लिए सबको अपन हम सब कुछ बता दो। देखो देखो मैंने जो आसान
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैडम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जरा मुझे रिप्लाई कर दें। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली जो क्लास थी उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ की चार एप्लीकेशन है, और उन चार एप्लीकेशंस में से, अच्छा मुझे किसी ने कहा है कि गुजरी हुई ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। किसी और बच्चे ने भी ईद मुबारक कहा है, थैंक यू, आप लोगों को भी ईद की मुबारकबाद। ठीक है, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, तो हम पिछली क्लास में जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि चार एप्लीकेशंस होती हैं, जिनमें से हमने दो कर ली थी, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक हमने कर ली थी। अब उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है, जो आपके सामने यहाँ मेंशन है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। डेफिनेशन बड़ी आसान है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एंड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो अब हमें ये देखना है कि हम इस तरह के प्रोसेस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें किसी सिस्टम को हम हीट भी सप्लाई करेंगे और उसके बाद भी उसका टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हम ये जरा इसको देखते हैं, ठीक है जी। तो अब इसमें आप देखें कि हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर की है, और इस एग्जांपल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने एक जो है वो सिस्टम कंसीडर किया है, और ये सिस्टम क्या है, ये एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, गैस का सिलेंडर है, इसके अंदर कुछ गैस की क्वान्टिटी मौजूद है, और इनिशियल वॉल्यूम जो है गैस का वो वी वन है, ठीक है। और जो भी इसके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो यू वन है, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसका मतलब है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं पहले भी पिछली क्लास में भी इस बात का तस्करा किया था कि जब भी कोई मूवेबल पिस्टन होता है तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर ऐसे लोड रखा जाता है, कुछ वेट रख देते हैं ताकि वो अपनी जगह पर रुक जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या मैंशन है कि लोड ऑन पिस्टन इज डिक्रीज्ड, कि पिस्टन के ऊपर जो लोड है वो डिक्रीज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हमने एक कम कर दिया यहाँ पे। तो जब हम पिस्टन के ऊपर लोड डिक्रीज करेंगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोड डिक्रीज करने का मतलब है कि ऊपर से जो इस पर प्रेशर लग रहा था, जो प्रेशर इसके ऊपर से लग रहा था वो हमने कम कर दिया, तो ये पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो गैस एक्सपेंड होगी और मॉलिक्यूल्स पीछे हट जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स पीछे हटेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा, और जब गैप बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ कोलिशन कम हो जाएगा, और रेट ऑफ कोलिशन के कम होने की वजह से अंदर इंटरनल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही इंटरनल एनर्जी कम होना शुरू होगी तो उसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा। बट एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि हमने इस सिस्टम को उठाकर एक सोर्स पे रखा। सोर्स कहते हैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो काफी ज्यादा गर्म हो, जो बहुत ज्यादा, जिसके अंदर लार्ज हीट कैपेसिटी हो, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो और जो हीट सप्लाई कर सकता हो, उसे हम सोर्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम सिस्टम को उठा के सोर्स पे रखेंगे, तो अब ये होगा कि अंदर जो एनर्जी की कमी हो रही होगी तो उस कमी को, अच्छा मुझे कोई कह रहा है, अब्दुल्ला कह रहा है कि सर प्लीज स्पीक लाउडली, अच्छा ठीक है मैं लाउडली बोल रहा हूँ। तो अब होगा ये कि जो अंदर एनर्जी की कमी हो रही होगी तो उस कमी को ये सोर्स पूरा कर देगा, और ये डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करेगा। तो जब डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करेगा तो अंदर एनर्जी की कमी पूरी हो जाएगी, और इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि यू वन इज इक्वल टू यू टू, मतलब ये जो फाइनल एनर्जी है ये कम नहीं होगी, ये दोबारा इनिशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। जब एनर्जी कम नहीं होगी, इंक्रीज तो नहीं हो रही, डिक्रीज भी नहीं होगी, तो डेल्टा यू जीरो होगा, जिसका मतलब है नो चेंज इन एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। और जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है तो टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर मैं बार बार बताता हूँ कि टेम्परेचर का ताल्लुक हमेशा इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल से होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है, यहाँ पर हमने ये कहा है कि भाई यहाँ पर हम ये कहते हैं कि लेट सम गैस इज ऑक्यूपाइड इन अ सिलेंडर हैविंग मूवेबल पिस्टन, ठीक है जी। द वॉल्स एंड पिस्टन आर परफेक्टली इंसुलेटेड, हम आइडियल कंडीशन में ये अज्यूम करते हैं कि इसकी जो वॉल्स हैं और ये जो इसका पिस्टन है ये परफेक्टली इंसुलेटेड है, इधर इन साइडों से यहाँ से कोई हीट ना आ रही है ना जा रही है, सिर्फ इसका जो बॉटम है, जो इसका बेस है, ये कंडक्टिव है, ठीक है जी। वेयर एज बेस इज कंडक्टिव, द प्रेशर ऑन पिस्टन इज डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द वेट ऑन पिस्टन। जैसा मैंने बताया कि
कि ऊपर से वेट कम करके हमने क्या किया कि पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था उसको हमने डिक्रीज किया, ठीक है, एंड इट गोज अप, तो क्या हुआ, पिस्टन ऊपर की तरफ चला, उससे क्या हुआ, सो रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रेट ऑफ कोलिजन है वो डिक्रीज हो गया, एंड इंटरनल एनर्जी स्टार्ट्स टू डिक्रीज, और इंटरनल एनर्जी कम होना शुरू हो गई, बट एट द सेम टाइम सिस्टम इज प्लेस्ड ओवर अ सोर्स, लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, उसी वक्त ये हुआ कि हमने सिस्टम को क्या किया, अच्छा ये कोई मुझसे सवाल कर रहा है, शाहजेब ने सवाल किया कि सर जब हीट दे रहे हैं तो U2 इंक्रीज होना चाहिए, तो अभी मैं शायद आपने या तो देर से क्लास ज्वाइन की है, आपने देर से ज्वाइन की है, या आपका बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा, क्योंकि नीचे अमीन ने खुद ही ये सवाल का जवाब दे दिया, अमीन ने कहा है कि सोर्स से बैलेंस किया है, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि भाई जब सोर्स जब हीट प्रोवाइड की है, सोर्स ने हीट दी है, तो सोर्स ने हीट दे के क्या किया है, मैंने अभी तफसील से बताया है कि अंदर एनर्जी कम हो रही थी तो सोर्स ने जो हीट दी है वो अंदर एनर्जी की कमी को पूरा किया है, ये मैंने अभी तफसील से बताया है, तो या तो आपका नेट डिस्कनेक्ट था या आप देर से आए, ठीक है, अच्छा जी, तो क्या किया, क्या मैं बता रहा था, सो रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड इंटरनल एनर्जी स्टार्ट्स टू डिक्रीज, ठीक है, इंटरनल एनर्जी अंदर कम होना शुरू हो गई, बट एट द सेम टाइम सिस्टम इज प्लेस्ड ओवर अ सोर्स, लेकिन उसी वक्त हमने सिस्टम को एक सोर्स पे रखा है, सोर्स के बारे में मैंने क्या कहा था, विच इज अ हीट रिजर्वायर हैविंग लार्ज हीट कैपेसिटी, वो ऐसा सोर्स, ऐसा हीट रिजर्वायर होता है जिसमें बहुत ज्यादा हीट कैपेसिटी होती है, देयरफॉर सोर्स प्रोवाइड्स हीट टू द सिस्टम, तो सोर्स सिस्टम को हीट देता है एंड कंपनसेट्स द लॉस ऑफ एनर्जी, और जो अंदर एनर्जी की कमी हो रही थी उस नुकसान को पूरा कर देता है, एज अ रिजल्ट एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, इस तरह अंदर सिस्टम की एनर्जी भी कॉन्स्टेंट रहती है और उसकी वजह से टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रहता है, सो इट इज नाउ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये इस तरह आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, और जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा यू है इसकी जगह मैंने जीरो रखा, ठीक है जी, डेल्टा यू जीरो था, डेल्टा यू की जगह जीरो रखा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ गया, इसका मतलब है जो भी हीट सप्लाई होगी वो सारी किस में चली जाएगी, वो सारी वर्क में चली जाएगी, ठीक है। शाहजेब तुम्हारा कैमरा ऑन है, शाहजेब कैमरा बंद कर दो, ठीक है जी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस की, और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये एक्चुअली बॉयज लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है, बॉयज लॉ की किस तरह इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि देखिए आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट चल रहा है, ठीक है, ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, अब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉयज लॉ क्या कहता है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली वेरिएटेड होते हैं, तो आप देख लेंगे जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए ये आएगा कर्व, आप देखें ये कर्व आया है और इस कर्व में हमने नीचे की तरफ एरो लगाया, अब नीचे की तरफ एरो क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो नीचे की तरफ एरो का मतलब है कि ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जाने का मतलब है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और नीचे जाने के साथ साथ ये राइट की तरफ भी मुड़ रहा है, तो राइट की तरफ जाने का मतलब है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये कर्व हमें ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज, तो इस कर्व को हम बोलते हैं आइसोथर्म, ये पीवी डायग्राम होती है आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आप देखें यहाँ सारी चीजें आ गई हैं, ये डेफिनेशन हो गई है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई है, ये इसकी इक्वेशन हो गई है, ये इसका ग्राफ हो गया है, अब आप इसको नोट करें, मैं आपको 5 to 6 मिनट देता हूँ, इसे नोट कर लें आपको, शाहजेब कह रहा है गलती से कैमरा ऑन हो गया था, कोई बात नहीं है, ठीक है, और समीद ये कह रहा है, समीद आंसर ये कह रहे हैं कि सर कोलिजन रेट एंड इंटरनल एनर्जी रिलेटेड क्यों है, हाँ समीद इसका आंसर ये है कि एक्चुअली इंटरनल एनर्जी और कोलिजन रेट इसलिए इंटर रिलेटेड है कि भाई देखो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो हर वक्त जो है ना वो रैंडम मोशन में होते हैं, अब रैंडम मोशन के दौरान वो आपस में कोलिजन करते रहते हैं, कोलिजन करने की वजह से उनकी स्पीड पर फर्क पड़ता है, अगर रेट ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलिजन करेंगे तो वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि भाई सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है,
और अगर रेट ऑफ कोलिजन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे स्लगेश हो जाएंगे, जब वो स्लगेश हो जाएंगे सुस्त पड़ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होगी, तो इसका मतलब है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो ड्रॉप होगी। ठीक है समीर, मेरी बात क्लियर है समीर आपको? जी समीर, ओके ठीक है, नोट करें आप लोग इसको।
अब्दुल्ला ने मुझे मैसेज किया है कि आपने लास्ट में जो डायग्राम बनाई है वो एक बार समझा दें। तो डायग्राम कौन सी, ग्राफ जो मैंने बनाया है, अब्दुल्ला मुझे बता दें ग्राफ को कह रहे हैं आप। ठीक है, इसमें मैंने ये बताया था कि भाई मैंने ये बताया था कि यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये वी वन से इंक्रीज होकर वी टू हो गया, और टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैंने ये बताया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्चुअली ये बॉयज लॉ है। बॉयज लॉ में ये कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली वेरिएटेड, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लाजमी प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो दोनों इनवर्सली वेरिएटेड होगा। जब इनवर्सली वेरिएटेड होंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो हमेशा कर्व की फॉर्म में आएगा। और इस कर्व में डाउनवर्ड एरो क्यों लगाया है, डाउनवर्ड एरो ये शो कर रहा है कि भाई ये नीचे जा रहा है तो ये प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, और इसके साथ साथ ये राइट पे जा रहा है तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और इस कर्व को हम बोलते हैं आइसोथर्म। ठीक है, तो एक्चुअली ये बॉयज लॉ का ग्राफ है, बॉयज लॉ में भी ऐसा ही ग्राफ होता है। ठीक है, तो अब्दुल्ला आप मुझे बता दें अभी आप क्लियर हैं, अब्दुल्ला क्लियर हैं आप? ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूं, अगर कोई रह गया है तो मुझे बता दें, क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूं कि अगर कोई इस चक्कर में है कि मुझे जल्दी से बता देता है कि हमने कर लिया और स्क्रीन शॉट लेके बैठा हुआ है, तो भाई देखें बात यह है कि स्क्रीन शॉट लेना मसले का हल नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो तो आप जो है किसी से पिछले साल के स्टूडेंट से कॉपी पकड़ लें तो उसने भी यही काम हुआ होगा। दो अहम बातें होती हैं, पहली अहम बात ये होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आप अपने हाथ से काम करें, फिगर बनाएं, इक्वेशन लिखें, ग्राफ बनाएं, जो आप अपने हाथ से काम करते हैं वो एक्चुअली आपको सॉलिड करता है। अपने हाथ से काम करने के बाद जो है ना वो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भी काम हुआ हुआ है ना वो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये पूरी फिगर बनाएं, सारी चीज़ें लिखें, इक्वेशन बनाएं, ग्राफ बनाएं, बाकी ये जो लिखा है ये इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना वो काम खुद से करें, ये आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आपको टाइम देते हैं। तो कोई ये नहीं कि बैठे हुए आराम से स्क्रीन शॉट ले लिया कि बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। ठीक है ना, अभी आप लोगों ने कर लिया है, सबने कर लिया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद अब हमारी आ गई चौथी एप्लीकेशन। अब ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट एप्लीकेशन है। अभी तक जो हमने तीनों एप्लीकेशंस की हैं, उन तीनों एप्लीकेशंस में आइसोफोरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल, ठीक है जी, तीनों में लगा हुआ था आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोकोरिक वॉल्यूम सेम, आइसोबैरिक प्रेशर सेम, आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम। तो तीनों में आइसो लगा हुआ था, यानी कोई ना कोई चीज कांस्टेंट चलती थी, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा है, या प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है, या टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है। और तीनों में हम क्या कहते थे कि सिस्टम को हीट प्रोवाइड की गई है। अगर किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की गई है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, या प्रेशर कांस्टेंट है, या टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन एडियाबेटिक में आप मेन डिफरेंस ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एडियाबेटिक में क्या कह रहे हैं, एडियाबेटिक में हम ये कह रहे हैं कि इन दिस प्रोसेस नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, ना कोई हीट बाहर से सिस्टम के अंदर जाती है, और ना ही कोई हीट सिस्टम से निकल के बाहर आती है, ना हीट एक्सपेल होती है और ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो लाजमी तौर पे इस तरह का जो प्रोसेस है वो हमें आइसोलेटेड सिस्टम में परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी आप आगे चल के ये देखेंगे कि हम जो यहाँ पे सिलेंडर अज्यूम करते हैं उसके बारे में हम ये बोलते हैं कि भाई इसकी जो वॉल्स होती हैं, जो इसकी वॉल्स हैं और जो इसका पिस्टन है, यहाँ से ये परफेक्टली इंसुलेटेड होता है। ऐसा हम अज्यूम करते हैं आइडियल कंडीशन में कि भाई यहाँ से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता, और हम इसके बॉटम के बारे में ये कहते हैं कि ये कंडक्टिव होता है, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो आइसोथर्मल में आपने देखा था कि हमने यहाँ इसको रखा था सोर्स पे, लेकिन अभी आप ये देखेंगे कि हम यहाँ इसको रखेंगे इंसुलेटर पे। तो जब हम इंसुलेटर पे रखेंगे तो फिर ये बॉटम से भी हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा,
तो ये परफेक्टली जो है ना आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा और इसमें चारों तरफ से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसमें यहाँ पर सिस्टम में चेंज कैसे डेवलप की जाएगी, यहाँ पे सिस्टम में चेंज डेवलप करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, जैसे हमने आइसोथर्मल में किया था, लोड ऑन पिस्टन इज डिक्रीज, ये पिस्टन के ऊपर जो लोड है आप ये देख रहे हैं कि हमने एक कम कर दिया, ये लोड डिक्रीज हो गया। ठीक है जी, जब लोड डिक्रीज हो गया तो वैसे ही हुआ जैसे आइसोथर्मल में हुआ था कि भाई पिस्टन ने ऊपर चलना शुरू कर दिया, पिस्टन ने ऊपर चलना शुरू किया, गैस एक्सपेंड हो गई और ये वॉल्यूम इसका V1 से बढ़कर हो गया V2। ठीक है जी, फिर वैसे ही हुआ जैसे आइसोथर्मल में हुआ था कि भाई जब गैस एक्सपेंड हुई तो मॉलिक्यूल्स पीछे हट गए, मॉलिक्यूल्स पीछे हट गए तो इनके बीच में गैप बढ़ गया, जब इनके बीच में गैप बढ़ गया तो रेट ऑफ कोलिजन कम हो गया और जब रेट ऑफ कोलिजन कम हुआ तो अंदर इंटरनल एनर्जी ड्रॉप हो गई और इंटरनल एनर्जी के ड्रॉप होने की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आइसोथर्मल में अभी पिछली जो एप्लीकेशन थी उसमें क्या था कि आइसोथर्मल में हमने यहाँ रख दिया था उसको सोर्स पे, तो अंदर जितनी एनर्जी कम हो रही थी तो सोर्स ने हीट सप्लाई कर दी थी और फिर वो एनर्जी जो थी U2 वो U1 के इक्वल हो गई थी। लेकिन इस दफा क्या हो रहा है, इस दफा हमने यहाँ रखा है इंसुलेटर पर, जिसका मतलब है कोई हीट नहीं जा रही, डेल्टा क्यू कितना है, 0। अब अंदर जो इंटरनल एनर्जी कम हो रही है उस लॉस की कंपनसेशन नहीं हो रही, वो कंपनसेट नहीं हो रहा, कोई एनर्जी उस कमी को पूरा नहीं कर रही, लिहाजा ये जो फाइनल एनर्जी है ये इनिशियल एनर्जी के मुकाबले में कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि U2 इज लेस देन U1। जब ये फाइनल एनर्जी कम हो जाएगी तो लाजमी तौर पे इसकी वजह से अंदर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और अंदर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो एडियाबेटिक में आप देख रहे हैं शुरू की तीन प्रॉपर्टीज में क्या था, आइसो लगा हुआ था, आइसोकोरिक या आइसोबैरिक या आइसोथर्मल में कोई ना कोई एक चीज, यानी वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर में से कोई ना कोई एक चीज जो है वो कांस्टेंट चल रही थी। लेकिन यहाँ पर अच्छा मुझे कोई सवाल कर रहा है, अमीन मुझे सवाल ये कर रहा है कि सर जब हीट दे नहीं रहे तो वेट क्यों रखा है, ये क्या बात हुई भाई। बात ये है, अच्छा सब समझ गया भाई, वेट देखे ना इसलिए रखा है कि आप बेशक हीट नहीं दे रहे, सब तरह मेरी बात समझे, आप हीट नहीं दे रहे इसको, लेकिन फिर भी वेट रखना इसलिए जरूरी है कि हीट नहीं दे रहे लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है अंदर उनमें कोई ना कोई एनर्जी तो है ना, तो वो पिस्टन को ऊपर करने की तो कोशिश करते हैं ना। जब भी किसी सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन होता है तो आपको वेट क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, वो पिस्टन को ऊपर धक्का दे रहे होते हैं और आप रोकना चाहते हैं तो आप ऊपर वेट रखते हैं, ये वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, जब ये डाउनवर्ड एक्ट करता है तो ये इस फोर्स को बैलेंस करता है। तो अगर आप हीट नहीं भी कर रहे हैं, तो भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरनल एनर्जी तो है ना, तो वो इंटरनल एनर्जी की वजह से पिस्टन पर ऊपर की तरफ फोर्स तो लगा रहे हैं ना, लिहाजा आपको वेट रखना पड़ेगा ताकि नीचे की तरफ फोर्स लगे और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाए और पिस्टन अपनी जगह पर रुक जाए। ठीक है जी, तो किसने सवाल पूछा था, उनको बात समझ आ गई, अमीन ने पूछा था। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि एडियाबेटिक में आइसो का वर्ड नहीं लगा हुआ, क्योंकि एडियाबेटिक में आप देखेंगे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं। आप देखिए कि एडियाबेटिक में क्या हो रहा है, एडियाबेटिक में देखिए ये हो रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और अंदर एनर्जी के कम होने की वजह से टेम्परेचर भी कम हो रहा है और प्रेशर भी कम हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम हो रहे हैं, तो जो गैस की तीनों प्रॉपर्टीज हैं, मेरा मतलब है वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर, तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई सी भी सेम नहीं है, एक इंक्रीज हो रही है, दो डिक्रीज हो रही है, लिहाजा इसमें आइसो का वर्ड नहीं लगा। ठीक है जी, अब आप देखेंगे जो मैंने आपको बात अभी तक बताई है लेकिन वो ही यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर देखिए क्या मेंशन किया है, हमने कहा है कि जी गैस इज ऑक्यूपाइड इन अ सिलेंडर हैविंग मूवेबल पिस्टन, द वॉल्स पिस्टन एंड बेस, तीनों चीजें वॉल्स पिस्टन और ये बेस, द वॉल्स पिस्टन एंड बेस आर परफेक्टली इंसुलेटेड, हर तरफ से परफेक्टली इंसुलेटेड है, द प्रेशर ऑन पिस्टन इज डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग द वेट ऑन पिस्टन। ठीक है जी, ऊपर वेट कम करके पिस्टन के ऊपर से जो प्रेशर आ रहा था ऊपर की तरफ से उसको हमने क्या किया, उसको हमने रिड्यूस किया एंड इट गोज अप।
ठीक है जी, उसकी वजह से क्या हुआ कि पिस्टन ने ऊपर जाना शुरू किया। सो रेट ऑफ कोलिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड इंटरनल एनर्जी आर डिक्रीज, जिसकी वजह से अंदर रेट ऑफ कोलिशन और इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। एज अ रिजल्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर डिक्रीज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके कम होने की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों अंदर कम हो जाएंगे। वेयर एज वॉल्यूम इज इंक्रीज, जबकि वॉल्यूम तो नजर ही आ रहा है कि वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सिंस नो हीट इज ट्रांसफर्ड, क्योंकि कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसलिए ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। अब इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, फर्स्ट लॉ लगाया और ये देखेंगे नो हीट ट्रांसफर की वजह से डेल्टा क्यू जीरो है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर डेल्टा क्यू को जीरो रख दिया। तो इसकी इक्वेशन जो है, इसकी इक्वेशन आ गई कि भाई जो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो इसको आप इसकी इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन फर्दर एलेबरेट करने के लिए हमने साइन कॉन्वेंशन अप्लाई की, और साइन कॉन्वेंशन अप्लाई करके हमने डेल्टा यू के साथ माइनस लगाया और वर्क के साथ भी माइनस लगाया। डेल्टा यू के साथ क्यों माइनस लगाया, क्योंकि अंदर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है किस वजह से, क्योंकि यू टू लेस देन यू वन। और वर्क के साथ क्यों माइनस लगाया, वर्क के साथ इसलिए माइनस लगाया कि इस वक्त सिस्टम ने कोई काम नहीं किया, ये जो हमने ऊपर से लोड कम किया है इसकी वजह से पिस्टन ऊपर गया है, तो जो भी वर्क डन हुआ है वो हमारे लोड कम करने की वजह से हुआ है, सिस्टम ने खुद कोई काम नहीं किया। तो चूंकि सिस्टम ने खुद कोई काम नहीं किया, हमारे लोड कम करने की वजह से वर्क डन हुआ है, तो इसलिए वर्क डन भी हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, और इंटरनल एनर्जी कम होने की वजह से डेल्टा यू को माइनस करेंगे। ठीक है जी, फर्दर इसमें एक एडिशनल बात यह है कि व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज एडियाबेटिक प्रोसेस देन इट फुलफिल्स द इक्वेशन पी वी टू द पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर गैमा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी कॉन्स्टेंट रेशियो फॉर गैसेस। क्या मतलब है कि अगर किसी सिस्टम में परफेक्टली एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है तो वो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है पी इंटू वी टू द पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो करेगा। इसके कॉन्स्टेंट होने का मतलब है कि P1 into V1 to the power gamma should be equal to P2 into V2 to the power gamma। क्या मतलब है, गैमा जो है वो Cp upon Cv है। अभी पिछले वीक मैंने आपको मोलर स्पेसिफिक हीट बता दी है कि गैसेस में दो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है भाई, एक Cv होती है और एक Cp होती है, और दोनों कॉन्स्टेंट होती है। जब दोनों कॉन्स्टेंट होती है तो इनकी जो रेशो है Cp upon Cv, ये तमाम गैसेस के लिए कॉन्स्टेंट चलती है, और इसको गैमा से जो है वो मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर आपने अंदर जो भी गैस रखी होगी, जो भी गैस रखी होगी उसका जो भी गैमा होगा वो हमें मालूम होगा। अब यहाँ पर जो भी वॉल्यूम है V1 और जो भी अंदर प्रेशर आ रहा है P1, उसको मल्टीप्लाई करें, और ये गैमा पावर आपने V1 पे लेनी है। याद रखिएगा कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ये इस तरह से नहीं है पी वी टू द होल पावर गैमा, नहीं है ऐसा नहीं है यहाँ पे, बल्कि जो गैमा पावर है वो सिर्फ किसके ऊपर है, वी के ऊपर। तो यहाँ जो भी प्रेशर आ रहा है और जो भी वॉल्यूम आ रहा है, पी वन और वी वन दोनों को मल्टीप्लाई करें और वी वन पे गैमा पावर, और फाइनल कंडीशन में अंदर जो भी प्रेशर कम हो गया है, पी टू जो भी हो गया है और वॉल्यूम जो भी बढ़ गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और वी टू पर गैमा पावर लें। अगर ये आंसर इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस 100% एडियाबेटिक, और अगर इसकी लेफ्ट राइट साइड में हल्का फुल्का फर्क आता है तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं से थोड़ी सी हीट की कोई लीकेज हो रही है, और पिस्टन की साइड से या वॉल्स की साइड से या यहाँ से कहीं से थोड़ा बहुत कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है। यानी हम तो जीरो ले रहे हैं लेकिन वो असल में जीरो नहीं है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से लीकेज हो रही है, अगर वो अनइक्वल आता है। और अगर वो इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है ये कॉन्स्टेंट है, तो फिर ये इसकी जो है ना वेरिफिकेशन होती है कि प्रोसेस जो है वो परफेक्टली एडियाबेटिक हो रहा है। ठीक हो गई बात। बाकी जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे ही बनेगा जैसे आइसोथर्मल में बना था। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। बेशक टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था और एडियाबेटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ टेम्परेचर तो है ही नहीं। ये ग्राफ आपने बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम बना, तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम के लिहाज से देखा जाए तो फिर तो वही बात है जो आइसोथर्मल में है कि भाई वॉल्यूम यहाँ वी वन से इंक्रीज होकर वी टू हो रहा है, और जो प्रेशर है वो यहाँ पी वन से कम होकर वी टू हो रहा है, तो इसलिए वही कर्व बनेगा क्योंकि इस वक्त प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली वैल्यूएटेड है। और वैसे ही देखें एरो नीचे की तरफ आएगा, ये डाउनवर्ड एरो क्या शो कर रहा है कि भाई ये नीचे आ रहा है यानी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और ये राइट की तरफ जा रहा है जिसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसको एडियाबेटिक कर्व बोलते हैं,
और आइसोथर्मल में जो बनाते हैं उसको आइसोथर्म बोलते हैं। अब अगर फर्क देखना चाहें कि भाई आइसोथर्म और एडियाबेटिक कर्व में क्या फर्क है, तो आइसोथर्म वाला जो कर्व होता है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली वेरिएटेड होते हैं, कर्व आता है लेकिन वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होता है। और एडियाबेटिक कर्व में जो कर्व बना है इसमें भी प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली वेरिएटेड है लेकिन ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर नहीं है। एडियाबेटिक कर्व में टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो एडियाबेटिक कर्व जो है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर नहीं होता, जबकि आइसोथर्म जो है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होता है। फर्दर ये भी याद रखिएगा कि ये वाली जो बात है, ये अगर पिछले 10-12 साल के पेपर देखे जाए तो काफी दफा पे MCQs में भी सवाल यही वाला बहुत दफा आ चुका है कि भाई अगर कोई गैस या सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस में जाएगा तो वो किस इक्वेशन को फुलफिल करेगा। तो वो क्या करते हैं, इससे मिलते जुलते 3-4 ऑप्शन दे देते हैं। जैसे एक उन्होंने दे दिया कि भाई PV जो है ना उस पर होल पावर लगा देते हैं गैमा, कि जी PV टू द पावर होल गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर एक आपको ये दे देंगे कि जी PV टू द पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर एक इस तरह दे देते हैं जी पी गैमा वी गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस तरह मिलते जुलते 3-4 दे देते हैं और फिर वो पूछते हैं कि जी अगर कोई सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस में जाएगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये आपको याद रखना है, ये वाली इक्वेशन होती है। तो ये इस टॉपिक में तो बताना ही बताना है आपको, लेकिन MCQs के लिए भी याद रखिएगा कि ये काफ़ी आता है कि सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस में जाएगा तो उसकी किस इक्वेशन को फुलफिल करेगा, तो इसको वो फुलफिल करेगा। ठीक है जी, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस की चौथी और आखिरी एप्लीकेशन है। ठीक है जी, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, डेफिनेशन हो गई है, मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, इक्वेशन आ गई, ग्राफ आ गया, तो इसको आप बनाएं। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसको करें आप लोग। Oh my God! What is gold machine?
बेटा आज की क्लास में 5-6 मिनट रह गए, तो अब इसमें नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हो सकता। नया टॉपिक इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, तो जो लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं तो वो लीव कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं तो अभी ये स्लाइड लगी हुई है, अगले 5 मिनट तक आप आराम से नोट करें। तो बाकी लोगों को अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप ही बिल्कुल सही।